हेलो वेलकम अगेन हियर ऑन माय चैनल जानकारी ही माइसेल्फ विद अभिलाषी शर्मा वंस अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ बेसिक टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डिमांड. वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड विच वी कैन से हम उसकी बात करेंगे मांग क्या है. पर उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. जनरल भाषा में हम क्या करते हैं, इच्छा आवश्यकता और मांग इनका डिफर नहीं कर पाते. मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है, मेरी मांग है, हम इन चीजों में उलझ जाते हैं. हमें ऐसे लगता है तीनों सेम है और वो सही भी है क्योंकि तब हम इकोनॉमिक्स के एंगल से बात नहीं करते. आज हम इकोनॉमिक्स के एंगल से बात करेंगे इस बारे में और साथ में डिमांड के कुछ इश्यूज को और आपके साथ शेयर करेंगे. लेट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज़ टॉपिक. यस डियर स्टूडेंट, जो बात आज शेयर करेंगे उसके लिए एक बात ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक देखना. ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की थी डिजायर वांट एंड डिमांड, इच्छा आवश्यकता और मांग, इनमें अंतर क्या है. मान लो मोबाइल आया मार्केट में, उसे खरीदने की लालसा थी मेरे मन में बट पैसे नहीं थे. इस स्थिति को हम इकोनॉमिक्स में डिजायर कहते हैं, इच्छा. अब पैसे आ गए, मन में खरीदने की डिजायर भी थी पर अब हम पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे, हमने सोचा चलो रहने दो. तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वांट, आवश्यकता. तीसरी स्टेज जो है डिमांड, मांग क्या है. किसी वस्तु को, उसी मोबाइल को खरीदने की डिजायर भी थी, पैसे भी थे और उस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार भी थे हम, तो उस स्थिति को हम वस्तु के प्रति हमारी मांग कहते हैं, डिमांड. दैट इज डिमांड. क्लियर आई थिंक. अब आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इकोनॉमिक्स की जो लाइफलाइन माना जाता है वो है डिमांड, उसके बारे में बात करते हैं. डिमांड क्या है? द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और कमोडिटी इज द अमाउंट और क्वांटिटी दैट विल बी परचेज एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस. डिमांड या मांग किसी वस्तु की वो मात्रा है जिसको एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर परचेज किया जाना है, खरीदा जाएगा. समझ लग गया, उसको हम मांग कहते हैं, डिमांड. डिमांड के बारे में डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स है वो अपने अपने व्यूज देते हैं बट द मेजर कंसर्न आई वांट टू से दैट डिमांड इज द क्वांटिटी गोइंग टू बी परचेस्ड विद अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम, जो परचेज की जानी है आने वाले टाइम में या जिसके लिए जो कंज्यूमर है वो तैयार है खरीद वस्तु को खरीदने के लिए, उसको उस वस्तु की मांग कहते हैं. क्लियर होगी ना ये बात. अब मैं आपसे बात करता हूं टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग की किस्में. मांग हुई इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दो तरह की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे ये सारा चैप्टर डेवलप हो जाएगा. इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल है व्यक्तिगत मांग. इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग क्या है. द डिमांड मेड बाय एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. किसी एक व्यक्ति के द्वारा, मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हो, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो वस्तु की डिमांड की जाती है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. एक व्यक्ति के द्वारा की बात कर रहा हूं, अगर हम में से कोई एक उस वस्तु की डिमांड करता है. फिर मार्केट डिमांड क्या है, एक बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सबके द्वारा जो अपनी अपनी इंडिविजुअल डिमांड की जाती है उस वस्तु के प्रति, उस सारे की जोड़ को, एग्रीगेट को हम मार्केट डिमांड कहते हैं. मार्केट बनती किससे है, उपभोक्ताओं से. हम तुम सारे जने बाजार चले गए, हम सब ने उस वस्तु की अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की और उस क्वांटिटी को जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी. So, what we can say,
द टोटल डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम इज नोन एज मार्केट डिमांड। समझ लग गया भाई, किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वस्तुओं की जो मांग की जाती है उसके जोड़ को, उसके मतलब उसके योग को हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। ओके, आगे आज के इस टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, डिमांड शेड्यूल क्या है। शेड्यूल मीन्स सारणी क्या है, पंजाबी और हिंदी में हम इसे मांग, हिंदी में कहते हैं मांग सूची, मांग सूची। डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल द टेबल विच इज शोइंग द रिलेशन ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल और डिमांड टेबल। मतलब एक ऐसी सूची जिसमें वस्तु की कीमत और उसकी वस्तु की जो मांग है उस दोनों के रिलेशन को जब एक टेबल के रूप में दिखाया जाता है, एक सूची बनाकर, एक सारणी बनाकर, उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड दो तरह की थी, एक इंडिविजुअल एक मार्केट। तो डिमांड शेड्यूल भी दो तरह के हो गए, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, जल्दी से करते हैं, एक ऐसी सारणी, एक ऐसी सूची जिसमें एक एक उपभोक्ता की अलग अलग कीमत पर उस वस्तु की जो मांग की जाती है, डिमांड की जाती है, उसके रिलेशन को जो शो करने वाली सारणी है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्योंकि एक उपभोक्ता है, ध्यान रखो, जैसे यहां पर दिखाया मैंने, ध्यान से देखो, मान लो हम उपभोक्ता हैं, मैं हूं या आप हो, और हमने आइसक्रीम की इच्छा थी और हमने आइसक्रीम की मांग की। मान लो वस्तु की जो प्राइस थी वो 2 रुपए थी, है नहीं, मान नहीं है भाई, ये मत सोचने लग जाना। हम भी ऐसे सोचते थे कि 2 रुपए की आइसक्रीम कहां से मिलती है, फिर इतनी को हम तो ज्यादा डिमांड कर लेंगे। मान लेते हैं भाई 200, मान लो वस्तु की कीमत 2 रुपए थी और हम 4 आइसक्रीम की डिमांड कर रहे थे, वस्तु की कीमत बढ़कर, आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 2 से 4 होगी, हमारी डिमांड कम होगी, 3 रह गई, फिर कीमत और बढ़ी, कीमत बढ़कर 6 हुई, डिमांड और कम होकर 2 रह गई। जैसे यहाँ इस टेबल में दिखाया गया, ध्यान से देखो, कीमत बढ़कर 8 हुई आइसक्रीम की, डिमांड कम होकर 1 रह गई। जब ये सूची, जो ये शेड्यूल है, ये एक इंडिविजुअल की डिमांड को दिखा रही है, That one is known as individual demand schedule. अब second part चलते हैं। Second क्या है, market demand schedule. मान लो एक बाजार में मैं ही नहीं आप भी उपभोक्ता हो, ये वाले और ये वाले, हम 3 उपभोक्ता हो गए, पी क्यू एंड आर, नाम कोई भी मान लो, 3 उपभोक्ता हैं, तीनों ने अब आइसक्रीम की डिमांड की। जब प्राइस उसका मैंने जैसे पहले इंडिविजुअल में कहा 2, 4, 6, 8 हुआ, जो पी था, मान लो वो मैं था, मैंने जो डिमांड की वो आइसक्रीम की 4, 3, 2, 1 से की, मींस जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, जैसे यहां दिखाया गया, तो मैंने पहले 4 खरीदी थी आइसक्रीम, खरीदना चाहता था, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब जो क्यू था, उसने जैसे जैसे कीमत बढ़ी, उसकी जो डिमांड थी आइसक्रीम के प्रति वो 5, 4, 3, 2 की तरह थी, और जो आर था, उसने वस्तु की जो डिमांड की जैसे इस शेड्यूल में दिखाया है वो थी 3, 2, 1, 0। इसका मतलब क्या बना, मींस जब वस्तु की कीमत, उस आइसक्रीम की कीमत 2 रुपए थी, वो 3 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था, जब वस्तु की कीमत बढ़कर 4 हुई तो उसकी डिमांड 2 आइसक्रीम की रहेगी, और जब कीमत बढ़कर 6 हुई तो उसने 1 आइसक्रीम की डिमांड की, और जब कीमत 8 हुई वो कहता मैं नहीं लूंगा अभी, अब नहीं हम ले सकते, वो जवाब दे गया। ये पी क्यू और आर तीनों की अलग अलग डिमांड है उस प्राइस पे, कोई भी हो सकते हैं वो। मान लो हमने कि बाजार में 3 ही जने थे भी उसमें, अब हमने उस बाजार जिसमें ये तीनों जने थे उस मार्केट डिमांड को देखना है, तो हमने क्या किया, तीनों की उस डिमांड को ऐड कर दिया। जैसे पहले 5, 4, 3 तीनों की जो डिमांड 2 रुपए पे थी वो 12 बन गई, फिर इसी तरह से जब ऐड किया हमने 12 से 9, 6, 3, ये डिमांड जो है ये है मार्केट डिमांड, क्योंकि इस डिमांड को हमने एक शेड्यूल में दिखाया है, सो दिस वन इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ लगी ये बात, बहुत अच्छे बच्चों, आपको सब समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है डिमांड कर्व क्या है भाई। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, कर्व होता है चित्र, जब उसी डिमांड को जिसकी मैं बात कर रहा था,
जब डिमांड को एक चित्र बनाकर पेश करते हैं उसे डिमांड कर्व। डिमांड तो दो तरह के, इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो कर्व भी दो तरह की होगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आओ देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हमने जैसे बात की थी आइसक्रीम का जो प्राइस था 2468, तो डिमांड 4321 कम हो रही है। जब प्राइस 2 रुपये था तो डिमांड 4 थी, यहाँ पे ये पहला पॉइंट A1 बन गया। इसी तरह से जब कीमत बढ़कर 2 से बढ़कर 4 हुई तो डिमांड कम होकर 3 रह गई, फिर A2 पॉइंट बन गया। इसमें देखो ध्यान से, फिर क्या हुआ, कीमत और बढ़ी 6, तो एक कॉमन पॉइंट प्राइस और डिमांड का A3 बन गया। फिर कीमत बढ़कर 8 हुई तो डिमांड 1 रह गई, 1 आइसक्रीम, ये जो पॉइंट बन गया A4 बन गया। अब क्या करना है, इन चारों को आपस में मिला दिया, ये मिलाया तो DD क्या बन गई, डिमांड कर्व, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये है व्यक्तिगत मांग वक्र, समझ लगा ये। आगे बात करते हैं हम बाजार मांग वक्र की, मार्केट डिमांड कर्व। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पीछे बनाया था, हमने देखा मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया था, उसी शेड्यूल को हम कर्व में कन्वर्ट करते हैं। 3 उपभोक्ता थे पी क्यू एंड आर, पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाए तीनों, पी का भी, क्यू का भी और आर का भी। ये देखो ध्यान से, ये 3 कर्व बन गए, समझ लगा, एक पी का डिमांड कर्व है इंडिविजुअल, एक क्यू का है, एक आर का। प्राइस वही 2 से लेकर 8 तक गया और डिमांड तीनों की कम होती चली गई। जो चौथा कर्व बने इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या किया, तीनों की जो डिमांड थी उनको ऐड किया, तो हमारी मार्केट डिमांड जो मैंने पहले ही बताई कितनी आई थी, 12963। जब प्राइस 2 रुपये है आइसक्रीम का, तो 12 यूनिट की मार्केट में डिमांड थी, ये जो पहला पॉइंट बना यहाँ पे A1। फिर क्या हुआ, मार्केट में प्राइस बढ़कर 2 से 4 हुआ तो मार्केट डिमांड भी कम होगी, 9 होगी, ये जो A2 पॉइंट बने। और फिर प्राइस बढ़कर 6 हुआ तो मार्केट डिमांड कम होकर 6 रह गई, प्राइस बढ़कर 8 हुआ तो मार्केट डिमांड कम होकर 3 रह गई। ये जो A1 A2 A3 A4 चार पॉइंट आए हैं, इन चारों को मिलाने से जो कर्व बन रही है वो है मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जो हिस्सा क्लियर नहीं है वीडियो के उस हिस्से में जाकर देखें, ध्यान से देखें, और अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे कमेंट दें, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर इवन देयर। मेरे इस चैनल पर जानकारी हित पर ये आज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 12th वीडियो है ये, और बहुत सी वीडियोज हैं और बहुत सी आने वाली हैं, देखते रहिए और इंतजार कीजिए कुछ और नई वीडियोज का। तब तक थैंक यू वेरी मच।